मौके पर लोक निर्माण विभाग ने भवन की रंगाई पुताई रख रखाव मरम्मत और कुछ नए कार्य कराए और कई कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों के निजी सहायक रहते हैं। मंत्री हॉल में हो तो प्रशासनिक अधिकारियों को इंतजार करना पड़ता है। उनकी सुविधा के लिए पहली बार अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विदर्भ की जनता को यहाँ होने वाले सत्र से भारी आशाएं रहती हैं, जिसके लिए परिसर में विविध कार्यों को गति आ गई है। जैसे कि रंग रोगन का कार्य तेजी से शुरू है, तो वही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के एक पंडाल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी फोटोग्राफर फोटो खींच सके और शूट कर सके, इसके लिए रेलिंग लगाई जाएगी। इसके साथ ही अन्य कार्य जल्द गति से शुरू है। आने वाले 7 दिसंबर से शीत सत्र का जो है शुरुआत होने वाली है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो है विधान भवन परिसर में दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहां पे जो है पूरी तैयारियां की जा रही है शीत सत्र के लिए, क्योंकि शीत सत्र जो है करीबन 15 दिन ये शीत सत्र चलेगा, और उसके लिए जो भी तैयारियाँ रहती है ये पहले ही शुरू हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि अब 15 दिन बाकी है शीत सत्र शुरू होने के लिए। 7 दिसंबर से शीत सत्र शुरू होने वाला है और उसके लिए पूरी तैयारियाँ जो है विधान भवन की जा रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।